मेरे दोस्त को मेरी कौन सी बात बहुत बुरी लगी, मैंने उसे कैसे सुधारा, मेरे दोस्त को उसके घर वालों ने घर से क्यों निकाल दिया और वो कैसे पहुंचा मौत की नहज तक जब उसकी फैमिली उसका साथ छोड़ चुकी थी। ऐसे मौके पर किसने उसका साथ दिया, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। प्रोग्राम आंखों देखी, मैं हूं कासिम राणा और आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड है। इस प्रोग्राम में हम बताया करेंगे आपको जिंदगी के वो अहम और गैर मामूली वाकयात जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मुझे नया नया शौक चढ़ा था मॉडलिंग का और मैं इस फील्ड में जाने के लिए बेताब था। जल्द ही मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ और मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। और इसी दौरान जब हम एक शो में परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ से जब वापसी का वक्त हुआ तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसके साथ मेरी थोड़ी हेलो हाय हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उसने बताया कि मैं न्यू कराची से हूँ। तो मैं भी उन दिनों न्यू कराची में था, तो मैंने उनसे पूछा आप कौन से एरिया में रहती हैं। जब उसने अपना एरिया बताया तो वो भी मेरे एरिया के बिल्कुल करीब था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे वापस जाएंगी, तो उसने कहा बस से। मैंने कहा रात के 1-2 बज चुके होंगे, आप बस से जाएंगी अकेली? उसने कहा नहीं, मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ है। मैंने कहा स्टिल कैसे? तो मैंने उसको कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जबकि मैं इस प्रोग्राम में आया परफॉर्म करने के लिए एज ए मॉडल, तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे मेरी बाइक पर। क्योंकि अब मैं इनको ऑफर कर चुका था कि मैं आपको लिफ्ट दूंगा घर तक, तो मेरे 2 दोस्तों का क्या होगा, सोच रहे हैं ना आप। तो मैंने ये किया कि जब हम वापस जाने लगे तो मैंने एक रिक्शा करवाया, दोस्त लोगों को कहा कि आप रिक्शे पे बैठो, और मैंने उन दोनों को बिठाया और हम अपने घर की तरफ चल दिए। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने उस लड़की को मेरे साथ बाइक पे बैठते हुए देख लिया, तो अगले दिन उसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, यानी कि बाइक पे दोस्त जाएंगे साथ और वापसी में अगर लड़की मिल जाए तो दोस्तों को रिक्शा करवा दो। बड़ा गुस्सा लगा उसको, बड़ा समझाया मैंने उसको, यार वो अकेली थी, मैंने उसको ड्रॉप करना था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। उसने कहा भाई तूने बड़ा गलत किया। मैंने कहा ठीक है भाई। तो नेक्स्ट डे जब प्रोग्राम फिनिश हुआ तो फिर वापसी में मैंने ये किया कि रिक्शा तो ज़रूर करवाया, लेकिन उस रिक्शे में उस लड़की को, उसकी छोटी बहन को और जिसने ऐतराज़ किया तो उस दोस्त को बिठाया और अपने साथ दूसरे दोस्त को बिठाया और हम अलग से गए, और वो अलग से गए, उसको मैंने कहा इसको घर पे ड्रॉप कर देना और रिक्शे का किराया दे देना। वो वहाँ चले गए, हम अपने घर चले गए। वो दिन आखिरी दिन था प्रोग्राम का और उसके बाद काफ़ी दिनों तक मेरी मुलाकात उस लड़की से नहीं हुई। लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो जो के रक्षे में गए थे वो कहीं और एक होटल में दोनों बैठे खाना खा रहे हैं, मुझे रिपोर्ट मिली। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ठीक है भाई। इससे पहले कि मैं उससे बात करता, उस दोस्त ने मुझसे बात की, उसने कहा कि वो लड़की जो है वो मुझे अच्छी लगती है और हम लोग जो है वो आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने उसे काफ़ी समझाया कि ये लड़की मॉडल है, ये शोबिज़ फील्ड की लड़की है, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो, बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि वो मेरा दोस्त था, उसने कभी मेरी बात टाली नहीं थी। अब ऐसे में ये बातें आगे बढ़ती गईं, बढ़ती गईं। यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि उसने कहा कि जी मैं इस लड़की के साथ निकाह करूँगा। अब मैंने उसे कहा कि यार ये तो तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे इस बात के ऊपर कि एक शोबिज की लड़की है, तुम्हारी बरादरी की भी नहीं है, और तुम कह रहे हो मैं निकाह करूंगा। तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं तो इस मामले में तुम्हारा जो है वो साथ देने वाला नहीं हूं। तो उसने कहा यार ये कैसी दोस्ती है। मैंने कहा ठीक है दोस्ती है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता जिसमें तुम अपने वालदैन के खिलाफ जा रहे हो। तुम अपने वालदैन के साथ डिस्कस करो, अगर वो मान जाते हैं तो मेरा क्या हर्ज है, मैं भी मान जाऊंगा।
हसब मामूल उसने अपने वालदैन के साथ बात की और उसके बाबा नहीं माने। फिर वो मेरे पास आया, उसने बताया कि वो तो नहीं माने। तो मैंने कहा मैंने आपको पहले बताया था वो नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा भी मेरा दोस्त था तो मेरा उनके घर पर आना जाना तो था ना। ऐसे में हुआ ये कि फिर जब वो नहीं माने तो ये मेरे पास आया, इसने कहा मुझे बताओ कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ कैसे पेश होते हैं, क्या मामला आते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो इस मामले में तुम्हारी कोई मदद करने वाला हूँ नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछो लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। अलबत्ता तीसरे दिन उसने ऐसा किया कि लड़की जब घर से बाहर किसी काम से निकली वो उसको ले के साथ चला गया मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ जाके उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद वो ले के कहीं भागा नहीं उसको ना, वापस आया और उस लड़की को उसके घर पे छोड़ा, निकाहनामे की कॉपी दी और एक कॉपी अपने पास रख के अपने घर आ गया। और शाम को मुझे रिपोर्ट मिल गई कि ये लोग निकाह कर चुके हैं, लड़की को इसने उसके घर छोड़ दिया है, खुद अपने घर आ गया। और इनका सोचना ये था कि जब हम निकाह कर चुके हैं, कॉपियां अपने पास बढ़ चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है घर वाले क्या कर सकते हैं, मेरे घर वाले या उसके घर वाले क्या कर सकते हैं, इन्होंने ये सोचा। लेकिन जैसे ही ये घर गए तो घर में जाहिर सी बात है बातें होती इंसान सुनता है, तो इनको अंदाजा हो गया कि ना निकाह का पता भी चल गया तो ये मानने वाले नहीं है, ये बहुत अग्रेसिव है। तो जब इसने इस बात का अंदाजा हुआ तो इन्होंने आपस में मशवरा किया, अब जो ये कदम उठाने जा रहा था ना, इस कदम का इसने मुझे नहीं बताया, इसका इसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि ये समझ चुका था कि अब तो ये मेरा साथ देने वाला है नहीं इस मामले के अंदर। इसने क्या किया, उस लड़की को लिया, अब चूंकि उसके निकाह में थी कोई हर्ज नहीं था, उसने लिया और लेके वो पंजाब चला गया न जाने कौन से शहर, और ये लोग कुछ महीने तक वहीं रहे। कुछ महीनों बाद ये वापस आए और इन्होंने रेंट पे लेके घर और यहाँ रहना शुरू कर दिया कराची के अंदर। वो खबर तो जाहिर सी बातें फैली जाती है, लेकिन अब तक लड़की के घर वाले ये तस्लीम कर चुके थे कि चलो जो होना था हो गया, क्योंकि निकाह हो चुका है अब क्या कर सकते हैं। और तब तक मेरे ख्याल में इनके घर पे कोई खुशखबरी के मामला भी थे, तो लड़की के घर वाले प्रेस हो चुके थे, लेकिन लड़के के घर वाले, लड़के का बाप, वो मानने को कतई तैयार नहीं था। तो जब ये वापस आया फिर इसकी मेरी मुलाकात हुई और ये अलग घर में रह रहे थे, तो मैंने इसको कहा कि तुम एक मौका दो और घर जाके अपने माँ बाप से माफी मांगो और उन्हें कहो जो होना था हो गया, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ मैं आपकी मर्जी के खिलाफ गया हूँ, लेकिन अब आप मुझे माफ़ करो और मुझे जो है वो स्पेस दो तो शायद मान जाए। खैर अल्लाह का शुक्र इसने मेरी ये बात मानी, ये गया, इसने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके वालिद ने माफ़ी नहीं दी। उसने कहा ठीक है मैं तुम पर कोई सख्ती नहीं करता, ठीक है जो तुमने करना था वो कर लिया, तुमने अपनी मर्जी से किया ना, तो अब जाओ जो करना है करो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारो, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने घर में रखने वाला नहीं। तो ये वो स्टेज थी जैसा मैंने आपको बताया कि उसको घर से निकाल दिया गया। वो शख्स जिसके पास अपना होटल भी था, जिसका बाप करोड़पति है, इसके भाई की एक ही रियल स्टेट की अपनी शॉप है और एक जो है वो मोबाइल की शॉप से उनकी, और इनका अपना एक रेस्टोरेंट भी है, तो अच्छा खासा करोड़पति खानदान था, जिसमें से अब इसको निकल के रोड पे आना पड़ा और मेहनत मजदूरी करने के लिए इसको निकलना पड़ा। मैंने इसको एक जगह पर कहा था, अब तक जब तक इसकी शादी हो चुकी थी, इसने घर ले लिया था, मैं कभी भी इसके घर पे नहीं गया था, और मैंने इसे कहा था मैं कभी जिंदगी में तेरे घर की चाय भी नहीं पीऊंगा, मैं उस घर में कभी भी दाखिल नहीं होऊंगा, ठीक है तेरी मेरी दोस्ती रहेगी लेकिन घर मैं नहीं आऊंगा कभी भी, ये मेरी कमिटमेंट थी उसके साथ। तो ये चलता रहा, उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। उसी दौरान वक्त का करना ऐसा हुआ कि वक्त जिंदगी के साथ तेज तेज चलता गया और मैं वहां से छोड़कर पहले पंजाब गया, कुछ टाइम वहां रहा और वहां से मैं फिर दुबई आ गया। जब मैं दुबई आया तो मुझे पता चला कि इसकी जो सेहत है वो कुछ खराब होना शुरू हो चुकी है, तबीयत इसकी कुछ ज्यादा खराब है। अच्छा मैं बता दूं कि अब तक मैं उसके घर पे नहीं गया हूं अभी तक, और वही लड़की जो मेरी दोस्त थी अब वो मेरी भाभी बन चुकी है। मैं यहां आ गया, पता चला कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने कहा हाँ हो जाती है, लेकिन नहीं, वो कुछ ज्यादा ही खराब होना शुरू हो गई, उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम था। तो डॉक्टरों ने पहले उसे कहा कि अभी कम खराब है, फिर खराब इतना हुआ कि वो खा भी नहीं सकता था, सिर्फ पानी पी सकता था, और एक वक्त आया कि पानी भी नहीं पी सकता था, उसको सिर्फ ड्रिप लगती थी और उसके जरिए उसकी खुराक पूरी की जाती थी। अब जब ये हालत आ गई तो मैं इतना लाचार महसूस करता था अपने आप को कि यार मेरा दोस्त है और मैं उसका साथ नहीं दे सकता, मैं इतनी दूर जाऊँ इन मामलों में, नया में था यहाँ फंसा हुआ था कि मैं यार उसका साथ नहीं दे सकता। तो मैं क्या करता था, यहाँ से अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन करता था
उनको हत्ता के पैसे देता था और उनको कहता था तुम हॉस्पिटल जाओ और हॉस्पिटल जाकर उसकी तीमारदारी करो, अब उसके लिए फ्रूट ले जाना तो फजूल है, वो तो पानी भी नहीं पी सकता, तो बेटर है कि आप उसकी इस तरह से हेल्प करो कि चलो वो दवाइयां ले सके या अपना इलाज करवा सके। जब वो दोस्त जाते और वापस आकर मुझे बताते कि उसकी क्या सिचुएशन है, सिचुएशन तो खराब होती लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल को एक तसल्ली मिलती कि चलो यार अच्छा है, मुझे रिपोर्ट तो मिल रही है। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अब चंद दिन बाकी हैं, शायद चंद दिन बाकी हैं कि वो इस दुनिया में ना रहे, यहां तक नौबत आ चुकी थी। इसमें एक बात बहुत अहम थी मेरे लिए, वो क्या थी, मैं हर बार उनसे ये सवाल करता क्या उसके भाई और उसका बाप क्या उसको हॉस्पिटल में देखने आया, तो वो कहते नहीं। मैं इस बात पर बहुत हैरान था कि एक बाप अपनी औलाद से इतना नाराज कैसे हो सकता है कि वो मौत के बेड पर पड़ा है लेकिन वो बाप उसको देखने नहीं आ रहा, उसका भाई उसको देखने नहीं आ रहा, क्या खून क्यों इतना ठंडा पड़ चुका है। ठीक है, माना उसने एक गलती की, लेकिन जो मुझे हैरान करने देने वाली बात थी वो ये थी कि जो भी मेरा दोस्त हॉस्पिटल जाता तो वो मुझे आकर बताता कि भाभी वहां पर मौजूद थी, चाहे वो दिन हो या रात। मैं बताता चलूं, तब तक उनका एक बेबी बड़ा हो चुका था, तकरीबन 6 महीने 1 साल का उनका एक बेबी था, लड़का, तो वो अपने बच्चे को भी संभालती और इस आखिरी कंडीशंस में वो अपने मियां को भी संभालती। मैं जब भी ये देखता तो मैं कहता कि यार ये कितने दिन चलेगी, ये लड़की छोड़ जाएगी इसको, क्योंकि ना तो इसके पास पैसे हैं ना इसके पास रहने को अपना घर है, और अब तो जिंदगी भी ऐसी है कि जो इसके किसी काम नहीं आ सकती, यकीनन ये लड़की इसको छोड़ जाएगी, ये मेरी सोच थी। लेकिन वो उसका साथ देती रही यहां तक कि कुछ अर्सा के बाद वो रिकवर होना शुरू हो गया, और किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो दोबारा से ठीक हो पाएगा। अल्लाह का करना, जब तक उसकी जिंदगी वो ठीक होना शुरू हो गया, और माशाल्लाह इतना ठीक हुआ कि वो घर वापस आ गया। वो लड़की जिसकी वजह से मैं उसके घर पर जाना पसंद नहीं करता था, वो लड़की कि जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये शोबिज की लड़की है, इससे अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा, वही लड़की उसका साथ दे रही थी, और अब उसी लड़की की इज्जत मेरी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसी दौरान मुझे मौका मिला कि हाँ मुझे पाकिस्तान जाना है किसी काम के मामले में, मुझे वहां पर कुछ इंटरव्यूज करने थे और कुछ फैमिली से भी मिलना था, तो मैं पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जब मैं गया, चूंकि मैं उसे कह चुका था बहुत बार कि मैं कभी भी तेरे घर चाय पीने भी नहीं आऊंगा, और वो हमेशा इसरार करता कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसी तरह इस बार भी उसने इसरार किया, लेकिन इस बार मैं ना रुक सका और मैं उसके घर गया, क्योंकि अब वो लड़की मेरी नजरों में वो शोबिज वाली मॉडल लड़की नहीं रही थी, अब उसकी इज्जत मेरी नजरों में बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने अपने शोहर का साथ उस वक्त दिया था जबकि उसके माँ बाप और बहन भाई भी साथ छोड़ चुके थे, और वो बुरे हालात में भी उसके साथ रहने को अपने लिए बायस इज्जत और बायस फख्र समझती थी और अपने बच्चों को भी संभाल रही थी। तो इन हालात में मैं उसके घर पे गया, उससे बहुत अहम बात है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। जब मैं उनके घर पे गया, एक रात के लिए मैंने ठहरना था, अब उसकी आमदन, उस लड़के की आमदन, चूंकि वो अभी अभी बीमारी से उठा है, थोड़ा बहुत काम करता है, उसकी आमदन सिर्फ 400 रुपये पर डे थी। अगर हम यहाँ से हिसाब लगाएं दुबई से, तो सिर्फ 10 दरहम, जो कि हम एक टाइम खाना खा जाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, 400 रुपया उसकी आमदन थी, और अब उसके 2 बच्चे थे और एक बीवी और किराए का घर। लेकिन एक रात जब मैंने उनके घर पे गुजारी तो मुझे ये एहसास हुआ कि इतने कम पैसों में, ऐसे बुरे हालात में कोई इतना खुश कैसे हो सकता है।
मैं कंफ्यूज था और अब भी कंफ्यूज हूं कि उसका फैसला सही था या गलत। एक तरफ उसने माँ बाप की मुखालफत की और दूसरी तरफ उसने अपने दिल की ताईद की। उसने अपनी पसंद की शादी की थी और वो अब भी अलग एक घर में रह रहा है जो देखने में बहुत पसमांदा इलाका और पसमांदा सी जिंदगी, लेकिन उसमें वो चार लोग, मियां बीवी और दो बच्चे, इतने खुश जिंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद जिनके पास हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया हो, वो भी शायद इतनी कामयाब जिंदगी, इतनी खुश जिंदगी ना गुजार रहे हो। तो ये वो एक मौका था, एक वाकया था जो मेरी जिंदगी से गुजरा। वो दोस्त आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हर 15 दिन बाद, एक महीने बाद मेरी उससे बात होती रहती है। ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो कि क्या उसने जो माँ बाप की बात नहीं मानी वो गलत था, या उसने ये जो फैसला किया इस लड़की के साथ जाने का वो गलत था। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो बेल का बटन है वो दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।